बुरे को भी अच्छे में बुरा दिखा, अच्छे को बुरे में भी अच्छा दिखा। सब नजरिए का खेल है, जो जैसा है उसको वैसा दिखा। सृष्टि कितनी भी बदल जाए हम सुखी नहीं हो सकते, पर दृष्टि जरा सी भी बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। ऐसा बोलो कि सब तुम्हें सुनना चाहें, और ऐसा सुनो कि सब तुम्हें कहना चाहें। किसी को परखने की जिद छोड़कर समझने की कोशिश करो। अदब सीखना है तो कलम से सीखो, जब भी चलती है सर झुका के चलती है। इस तरह न कमाओ कि बाप हो जाए, इस तरह न खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह न बोलो कि कलेश हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, और इस तरह न सोचो कि चिंता हो जाए। बहुत ही सुंदर शब्द जो गुरुद्वारे के दरवाजे पर लिखे थे। यार से ऐसी यारी रख, दुख में भागीदारी रख, चाहे लोग कहें कुछ भी तू तो जिम्मेदारी रख। वक्त पड़े काम आने का पहले अपनी बारी रख, मुसीबतें तो आएंगी पूरी अब तैयारी रख। कामयाबी मिले न मिले जंग हौसलों की जारी रख, बोझ लगेंगे सब हल्के मन को मत भारी रख। मन जीता तो जग जीता, कायम अपनी खुददारी रख। एक आस्तिक ने एक नास्तिक से कहा, तुझे रब पर बहुत भरोसा है ना, तो जा एक पहाड़ से छलांग लगा, देखते हैं तेरा रब तुझे बचाता है या नहीं। आस्तिक ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया, ये मेरे रब का काम है कि वो मुझे आजमाए, ये मेरा काम नहीं है कि मैं उसे आजमाऊं। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं। तो संत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क से ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं, और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। तू ही तो है पालनहार। जानकारी किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर अनुभव आज भी उम्र का ही इंतजार करता है। प्रयत्न करने से कभी न चूके, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, और विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। याद रखना, जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। खुशियां तो थोड़े समय के लिए ही सब्र देती हैं, लेकिन सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान तक पहुंचने से पहले ही ईश्वर तक पहुंच जाती है। आत्मा, परमात्मा और महात्मा, ये तीनों ही शब्द माँ के बिना अधूरे हैं। हर औरत की इज्जत करो, इसीलिए नहीं कि वो एक औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी माने की है। कभी तानों में कटेगी, कभी तारीफों में कटेगी, ये जिंदगी है दोस्तों, पल पल घटेगी। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, फिर भी क्यों चिंता करते हो, इससे सिर्फ जीवन की खूबसूरती घटेगी। ये जिंदगी है दोस्तों, पल पल घटेगी। जीवन तो बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने ही छिद्र क्यों ना हो, लेकिन जिसे बजाना आ गया समझो उसे जीना आ गया। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।